तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे जीव, एक ऐसे जानवर के बारे में जो कि अगर अपनी पूंछ से हमको मार दे तो इंसान चढ़ने गढ़ने लगता है। और दोस्तों, वो जानवर अगर फूंक मार दे तो हम इंसान क्या करते, अंधे हो जाते। तो ये बात असली है या नहीं, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले और उस जानवर का आपको नाम भी बताएंगे। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा जीव है जो कि अगर हम इंसानों को अगर एक बार मार दे तो हमारी चमड़ी क्या सटने करने लगती है? तो दोस्तों, वो जीव का नाम है फिश खोपड़ा, जिसे इंग्लिश में मॉनिटर लिजार्ड भी कहते हैं। और दोस्तों, अलग अलग जगह पर उसे अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि फिश खोपड़ा, मॉनिटर लिजार्ड, मगर को, और दोस्तों कहते हैं इसे चंदन बोड़ा या चंदन गो भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये जानवर की प्रजाति छिपकली की प्रजाति है, जो कि अक्सर हमारे घरों में आसपास दिखाई देती है। तो दोस्तों, इनकी 3-4 प्रजातियाँ होती है, जो कि एक तो होती है हमारे घरों के अंदर की दीवार पर बैठी हुई होती है, और दूसरी होती है मॉनिटर लिजार्ड, जो कि आपको इस पिक में दिख रहा होगा, और तीसरी होती है मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल, उसकी भी प्रजाति छिपकली में के अंदर आती है। वैसे तो दोस्तों, इस खोपड़ा में जहर नहीं होता, लेकिन अगर एक बार किसी को यह काट ले तो उस इंसान या उस व्यक्ति की मौत तो नहीं होती है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इसके मुंह में बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसके कारण हम बीमार भी हो सकते हैं, लेकिन इससे हमारी मौत नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ये सड़ा गड़ा मीट खाता है और इसके कारण उसके मुंह में बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया होता है। अभी हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर मगर को या एक वो अगर हमको पूंछ से मार दे तो क्या वाकई में इंसान का शरीर सड़ने गड़ने लगता है? तो दोस्तों, ये सब अंधविश्वास है। ऐसा कोई भी जानवर या कोई भी जीव नहीं जो कि अपनी पूंछ से मार ले इंसान को और इंसान की चमड़ी, और वो इंसान सटने करने लगता है। और अगर ये फूंक भी मार दे तो भी कोई फायदा नहीं या कोई भी नुकसान नहीं, क्योंकि ऐसी कोई आज दिन तक दुनिया में चीज बनी नहीं है जो कि अगर पूंछ से किसी को मार दे या अपने मुंह से फूंक दे दे तो वो इंसान के अंदर हो सकता है। ये ऐसा सब अंधविश्वास की बातें, आप अंधविश्वास की बातों पर ध्यान ना दे तो अच्छा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।